pageant Miss and Mrs. India Queen of Nation. We're having season 4 grand finale today at Hotel Regenta Center in Nagpur. This is an amazing day because we have with us none other than Bollywood star Aman Verma sir. I Thank welcome you. Him on behalf of Nagpur, Nagpur Media and complete team of MIK. It is our pleasure that Aman sir has joined us in this season. In fact, we had done thank all our sponsors, MIQ in season 4. This is powered by HCG Hospitals, super sponsored by the Kaizen Club. The managing director, Mr. Amit Kukar, इन्होंने काफी हमें support किया है. And we have a lot of other sponsors. We have our 15 partners. So I would like to thank all our sponsors who supported us in this event. And looking forward to have such events in future. थैंक यू कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस माना जाता है माना जाता था और अभी भी कई लोग मानते हैं अपने यहाँ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है तो क्या होता है कि जब मुझको हुआ तो मुझको भी लगा कि अब बस ये मेरे आखिरी दिन है मैंने अपना विल विल लिख लिया था और मैं सोची अब मैं वापस नहीं आने वाली हूँ पर उसके बाद क्या हुआ मुझको अपने आप पॉजिटिविटी आती गई और जो SCG के सर हैं मेहता सर उनके हाथ से मेरी सर्जरी हुई थी उन्होंने मुझको इतना मोटिवेट किया मैं समझ गया कीमो लेके घर गई थी उनका फ़ोन आया कि आपको मिलिंद सोमल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आपको अटेंड करना है आपको रन करना है पिंकेथॉन में अटेंड करना है आपको तो उन्होंने मुझको इतना आगे बढ़ाया इसलिए मैं आज अपने आप को इतना वो समझती हूँ कि किस्मत वाली समझती हूँ और मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई कैंसर के पहले वाली जो मेरी लाइफ थी उसके बाद अभी वाली लाइफ काफ़ी बेटर है ये पूरा एक महीना मेरे हर दिन दो दो तीन तीन प्रोग्राम्स रहते हैं मैंने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया है और मैं सिर्फ अवेयरनेस करती हूँ सिर्फ अवेयरनेस वुमेन में जितना लेडीज में मैं पहुंच सकती हूँ छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक आज तक मैंने कम से कम 400 प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ आप कुछ महिलाओं को मैसेज देना चाहेंगे इसके साथ महिलाओं को सिर्फ यह है कि अर्ली डिटेक्शन ही इसका एक वो है इसका कोई प्रिकॉशनरी आप कोई भी मेडिसिन नहीं है कि आप ले लोगे तो ठीक हो जाओगे सिर्फ आपको ऐसा है कि टाइम टू टाइम इसके चेकअप्स कराने पड़ते हैं और उसके बाद आपको अगर पता चलता है कि आपको इनिशियल स्टेज पर है तो उसका इलाज बिल्कुल 100% संभव है और अगर आप इससे अनजान रहेंगे सोचेंगे कि नहीं मैं नहीं कराती मुझको हो गया तो लोगों के मन में ये रहता है मैं चेकअप ही नहीं कराती अगर निकल गया तो क्या होगा इस डर से वो क्या होता है स्टेज आगे बढ़ते जाती है और जब वो फोर्थ स्टेज पे आ गया तो फिर आपके पास ऊपर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता तो इसलिए आपको ये है कि इसमें बस अर्ली चेकअप अर्ली डिटेक्शन ही बहुत जरूरी है और ये लेडीज का ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है इसलिए मैं लेडीज के ऊपर बोल रही हूँ हम लोग जेंट्स का भी लेते हैं तम्बाकू लिकर इससे भी जो होता है लीवर का लंग्स का उसके लिए भी हम लोग बताते हैं कंसिस्टेंटली मेडिकल चेकअप नहीं कराता है आई थिंक मेरे हिसाब से प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हर 6 महीने या साल के अंदर एक फुल बॉडी चेकअप अगर आप नहीं कराएंगे कौन सी बीमारी कब शुरू होती है कब चालू हो गई है ये आपको पता भी नहीं लगा और जैसे मैडम ने कहा जब वो आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते देयर इज नथिंग यू कैन डू सो द ओनली वे टू फाइट इट कि आप साल में कम से कम एक बार आई नो पैसा लगता है मेडिकल चेकअप कराने में बट ये जो कम पैसे लगेंगे उसके मुकाबले आगे जितने पैसे लगेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते हैं सो ये जितने भी लोग आई थिंक इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज रिमेम्बर साल में एक बार अगर आप अपना कंप्लीट फुल बॉडी चेकअप कराएं आई थिंक दैट इज द ओनली वे टू फाइट एनी काइंड ऑफ डिजीज इंस्टाग्राम जी वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है इधर तक बिग बॉस जो सिर्फ टीवी पर एक टाइम पे चला करता था अब वो OTT प्लेटफॉर्म पे खासकर चला एब्सोल्युटली तो वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस टाइम इज ऑलवेज गोइंग टू चेंज समय आई रिमेम्बर जब मैंने टेलीविजन शुरू किया था उस समय कोई भी प्राइवेट चैनल नहीं था दूरदर्शन एंड DD मेट्रो पे मेन फोकस हुआ करता था ये आप लोग भी जानते होंगे समवेयर इन 1998-99 इज व्हेन ZTV का अराउंड 2 या 3 घंटे का एक इवनिंग स्लॉट शुरू हुआ था फिर वो 6 घंटे का हो गया फिर वो 12 का हुआ फिर 24 का हुआ फिर दूसरे चैनल्स आ गए अब वो चैनल्स के बाद देन आई थिंक द इंटरनेट स्टार्टेड तो वो समय के साथ चीज़ें बदलती रहेंगी यू हैव टू अडैप्ट योरसेल्फ अब आप अडैप्ट कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है अगर आप अडैप्ट कर लेते हैं यू विल बी पार्ट ऑफ द बिजनेस नहीं करते हैं आई थिंक पीपल वो कहते हैं ना कि रास्ते का पत्थर उसके ऊपर चढ़ के फिर आगे निकल जाएंगे सो अडैप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मेन एडजेक्टिव्स जो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी में होना जरूरी है जी अमन सर के लिए लिपसिंक कर रहे हैं एंड ओवरनाइट जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है कई लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं आई एम श्योर आपको मौका मिलेगा आप भी ये करना चाहेंगे बट
द फेम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड. तो जितनी जल्दी आप सो वो सोडे की बॉटल जैसे खुली फूटी क्या कहते हैं बबल्स निकले और जैसे वो बबल बैठे उसके साथ आप एक तरह से सो डेडिकेशन फोकस इंटेंसिटी ये सारी की सारी चीजें जब तक एक लंबे अरसे तक आपके साथ नहीं होंगी वो एक लंबी देर के लिए टिके रहना इज वेरी डिफिकल्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक आपने जो सवाल पूछा है उसमें आपका जवाब भी है. सोशल नेटवर्क ने क्या किया है इट इज समथिंग लाइक फास्ट फूड की तरह हो गया है कि आप आज एक चीज को आजकल इफ यू गो ऑन इंस्टाग्राम यू हैव छोटी छोटी रील्स जो पहले वो 40 सेकंड की होती थी फिर वो 30 सेकंड की हो गई अब वो 20 सेकंड की हो गई हैं. अभी लोग 10 सेकंड की रील भी देखना पसंद नहीं करते हैं. तो आपको जो भी कहना है आप 3, 4, या 5 सेकंड में बोल दें तो लोग आपके प्रोजेक्ट को देखना चाहेंगे. इससे ये भी पता लगता है कि पेशेंस लेवल लोगों का नहीं है और जहाँ पेशेंस लेवल कम होगा आई थिंक वो डेडिकेशन वो इंटेंसिटी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जो एक जिसे हम कहते हैं कि लंबे रेस का जो घोड़ा है वो तभी बनेगा जब आप जितनी मेहनत एक नाम कमाने के बाद आपने जो समय आपने बिताया है उतना ही समय आपको उससे पहले उस काम को सीखने में लगता है. लेकिन टुडे एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल एवरीबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. वो पता नहीं है मेरे पिताजी जो हैं वो फौज में थे और जब मैं बहुत छोटा था मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 35-40 साल पहले की तो उम्र शायद मेरी 8 या 9 साल की होगी. तो उस समय उनका तबादला पोस्टिंग आपका जो कैंटोनमेंट एरिया है वहाँ पे मैं रह चुका हूँ और आपका जो फायर कॉलेज है मेरे मामा जी उसके हेड रह चुके हैं अराउंड 10 साल पहले. सो नागपुर से एक पुराना कनेक्शन हमेशा से रहा है और इस शहर को बदलते हुए देखा है मैंने बल्कि मैंने तो सभी शहरों को बदलते हुए देखा है 25 साल से जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. सो एवरी सिटी इन आर कंट्री ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे देश में जिस तरह की तरक्की मैंने पिछले 20 साल में देखी है बहुत ही कमाल की है एंड आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी इट्स अ वंडरफुल सिटी एंड ऑलवेज आई लव द फैक्ट कि लोग इतना प्यार इतनी मोहब्बत आपको देते हैं. जब भी आता हूँ इतनी इज्जत अफजाई होती है और मौका ढूंढता हूँ मैं कि बार बार मुझे मौका मिले. कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज के लिए अराउंड 6 महीने पहले मैं शूट के लिए भी आया था यहाँ पे तो वो टीम के लोग भी मुझे मिलने आए थे अभी कुछ समय पहले. बट ऑलवेज अ प्लेजर बहुत अच्छा लगता है टू कम टू दिस सिटी एंड इंटरेक्ट विद एवरीवन. सबसे पहले तो इसमें दो कैटेगरीज है. दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर मैरिड एंड अनमैरिड बोथ. सो इन मिस कैटेगरी वी हैव कंटेस्टेंट फ्रॉम 16 इयर्स टिल 25-26 इयर्स बिकॉज दे आर यंग एंड एस्पायरिंग मॉडल्स. एंड इन मिसेस कैटेगरी एक्चुअली दिस इज वेरी स्पेशल बिकॉज कंटेस्टेंट्स देयर इज नो एज बार इन दिस. वी एक्सेप्ट कंटेस्टेंट्स इवन मोर देन 50 इयर्स ओल्ड. We have 2 contestants who are more, above 50 years because this is the only chance where they can showcase their talent and we welcome them. So yes, we are having misses from around 25 years to 55 years and हमारे पास के 10-10 contestants दोनों ही category में हैं और बहुत मेहनत की है उन्होंने. या आज finale है कितने उसमें rank up आज finale है. हम लोगों ने auditions pan India किया था जिसमें हम लोगों ने पूरे काफ़ी सारे